hello good morning everyone today we are going to see our remaining lesson of welcome to port aguda we have already seen in previous video that all the boys with venetia and all her friends enjoy the birthday party in port aguda they have to be done various water sports such as they enjoy स्क्यूबा डाइविंग स्नोर पैरासेलिंग एंड सर्फिंग ऑल दीज आर द नेम ऑफ वाटर स्पोर्ट उन्होंने क्या किया था ये वाटर स्पोर्ट एंजॉय किए थे एंड आल्सो दे हैव टू बी फिशिंग एंड पैराशूट इट मीन्स पैरासेलिंग आल्सो। इट मीन्स टू ग्लाइड थ्रू द एयर विद अ ओपन पैराशूट उन्होंने पैराशूट भी एन्जॉय किया था एंड आफ्टर दैट दे हैव टू टेक अ लंच in a good restaurant with papa and their mummy so they have to be taken a lunch and after that lunch they take a amazing lunch and chocolate fudge it means a sweet item also then they have to be played on the beach for a while and then papa came and remind us वे हैव प्रोमिस् टू रीच होम बिफोर डार्क क्योंकि पापा को उन्होंने प्रामिस किया था वेनिशिया ने दे हैव टू बी दे देव टू बी रिटर्न बिफोर डार्क मतलब अंधेरा होने से पहले उन्हें घर पहुंचना था देट्स वाई पापा रिमाइंड अस वेनिशिया के पापा ने उन्हें रिमाइंड कर दिया वो सेट ऑफ अवर वेट टू बैक फिर उन्होंने सब अपना सामान बांध लिया सेट ऑफ सेट ऑफ मीस सब सामान सेटअप कर लेना बा, बांध लेना और ड्राइवर टोल्ड अस हाउ टू हाउ ही केम गोवा ट्वेंटी ईयर एगो और ड्राइवर ने उन्हें क्या बताया हाउ ही कम ट्वेंटी ईयर एगो वह बीस साल पहले यहाँ पर आया था वेन ही वॉज ए यंग बॉय वह क्या था तब यंग बॉय था ही शेर दैट ही लवस गोवा सो मच दैट ही नेवर वॉन्टेड टू गो बैक हिज विलेज उसे गोवा इतना पसंद है कि उसके विलेज में बैक मतलब रिटर्न जाना उसे पसंद नहीं व्हाट एन अनफॉर्गेटेबल डे उनका जो डे गया था एकदम एन्जॉयमेंट में गया था दैट्स वाई इट इज द अनफॉर्गेटेबल डे अविस्मरणीय दिवस अंडरस्टैंड माई फ्रेंड थैंक मी जो विनीशिया के फ्रेंड थे उन्होंने थैंक किया विनीशिया को फॉर द पार्टी एंड फाइनली गेव मी अग बर्थडे बम्स क्योंकि वेनिशिया ने अच्छी एक बिग ट्रीट दी थी उनके उसके फ्रेंड को ऑल द फ्रेंड्स हैव एन्जॉय इट एंड हु इज गोइंग टू अपलोड द फोटोज ऑन एफ बी आस्क राजा राजा ने जो फ्रेंड था वेनिशिया का उसने पूछा कि हु इज गोइंग टू अपलोड द फोटोज ऑन एफ बी फेसबुक पर जो हमारे एन्जॉयमेंट के फ़ोटोज हैं वह कौन अपलोड करने वाला है मी मी सेड रितिका रितिका ने कहा मैं करने वाली हूँ पापा स्माइल एट माई फ्रेंड्स एंड सेड डिड यू एन्जॉय योर तो पापा ने कहा आपने एंजॉय किया कि नहीं सब बच्चों को पूछा तो बच्चों ने क्या क्या जवाब दिया यस अंकल वी हैड अ ग्रेट टाइम हियर एंड वी विल शो यू फोटोग्राफ हम आपको फोटोग्राफ दिखाएंगे एंड वी एंजॉय एंजॉय ऑल द डे हमने पूरा दिन भर एंजॉय किया एंड थैंक्स फॉर गिविंग अस अ वैल्यूएबल टाइम और आपने भी हमें टाइम दिया और यह चांस दिया इसलिए थैंक यू सब बच्चों ने अंकल और आंटी को थैंक्स कहा एंड व्हाट हैपन दे दे रिटर्न एंड पापा सेड एट लास्ट डू यू थिंक आई डोंट नो आई वाज वाचिंग यू ऑल टाइम आपको पता है बच्चों मैं आपको ऑल टाइम मतलब पूरा दिन भर आपको ऑब्जर्वेशन ही कर रहा था आपको फॉलो ही कर रहा था बिकॉज इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी पापा ने क्या कहा ये मेरी क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी है सो डू यू अंडरस्टैंड द लेसन दिस लेसन इज अबाउट द गर्ल वेनिशिया एंड हिज ब्रदर बेन बेन वॉन्टेड टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे टू वॉच अ वर्ल्ड कप फाइनल मैच बट वेनिशिया वॉन्ट टू सेलिब्रेट हर बर्थडे विथ हर फ्रेंड एट फोर्ट अगुड़ा इन गोवा अगुड़ा जो फोर्ट था वहाँ पर एक बीच थी अच्छी सी और वहाँ पर उन्होंने वनीशा ने अपना बर्थडे उसके फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट किया था सो दे एन्जॉय वेरियस वाटर स्पोर्ट एंड एन्जॉय द लंच ऑल्सो एंड दे एन्जॉय ईच एंड एवरी मोमेंट देयर दैट्स वाई द फ्रेंड्स ऑफ वनीशा थैंक्स टू अंकल एंड आंटी एंड शी ऑल्सो सो डू अंडरस्टैंड दिस लेसन and write down all the difficult word which i have given to you and write down in good handwriting and write down the question answer which i have given to you now so thanks for listening me thanks again